कुलभूषण जाधव जिंदा हैं। आज पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने एबीपी न्यूज को ये बात बताई। एक घंटे के इंटरव्यू में एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह ने बासित से कुलभूषण जाधव, कश्मीर, सर्जिकल स्ट्राइक और हाफिज सईद पर कड़े सवाल पूछे। इन धमाकों ने पाकिस्तान को पिछले हफ्ते ही जवाब दे दिया था, लेकिन पाकिस्तान इस आग उगलते सच को कबूल नहीं पा रहा। एक के बाद एक वीडियो सामने आए, लेकिन भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित बता रहे हैं कि ऐसा कुछ पाकिस्तान में हुआ ही नहीं। आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो रिलीज किया कि रिटेलिएशन किया गया इंडियन आर्मी की तरफ से, पाकिस्तान सेना के कुछ पोस्ट्स को नौशेरा में डैमेज किया गया। इसके एवज में आईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया और इंडिया में ये पता चला कि वो वीडियो तो यूट्यूब का वीडियो था। आपको नहीं लगता कि इन चीज़ों से पाकिस्तान को भी तो प्रीमेच्योर इस तरह के रिएक्शंस नहीं देने चाहिए? नहीं, हमने तो कोई प्रीमेच्योर रिएक्शन नहीं दिया। जहाँ तक 9 मई की आप बात कर रहे हैं, जो कि क्लेम ये किया जाता है कि पाकिस्तानी पोस्ट को हमने मारा या तबाह किया, उसमें भी कोई हकीकत नहीं है। देखिए, इस किस्म हमारी तरफ से बिल्कुल डिनायल आया है इस पर, और मैं इस हवाले से सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। और मैं क्या आप कह रहे हैं जो इंडियन आर्मी ने वीडियो जारी किया वो भी फेक है? लगता तो यही है, क्योंकि ऐसा कोई वाकया हमारी साइड पे तो हुआ ही नहीं। और जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ वो फिर आप अपना नतीजा अखज कर लीजिए, उसके बारे में क्या कह सकता हूँ। पहले सुनिए एबीपी न्यूज की दलीलों पर बासित की बोलती कैसे बंद हुई, फिर पाकिस्तान के दावों की बारी बारी पोल खुलते आपको दिखाएंगे। सब क्या है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो पाकिस्तान ने कहा कि नहीं हुआ, फिर हमने देखा कि कुछ चैनलों ने उस पर एसएसपी पीओके से बात की, उन्होंने कंफर्म कर दिया, कुछ अखबारों ने उस पर स्टोरीज की, वहां के लोकल बाशिंदों से बात करके उन्होंने कंफर्म कर दिया। इस इंसिडेंट को आप कह रहे हैं नहीं हुआ, बीहीडिंग को आप कह रहे हैं नहीं हुआ, कि पाकिस्तान पहले नहीं मानता है और कुछ सबूत सामने रख दो तो फिर वो कहता है हाँ जी ऐसा हुआ होगा। नहीं, आपकी मिसाल दीजिए मुझे, कोई ऐसी चीज हुई हो जो पाकिस्तान ने पहले ना मानी हो और बाद में हमने मान ली हो? मुझे याद आता है 26/11 में हमने कभी ऐसा नहीं कहा। एक न्यूज चैनल के स्टिंग के बाद न्यूज चैनल के बाद कभी देखिए ना, आप फौरन नतीजा अखज कर लेते हैं। पाकिस्तान ने कभी ऐसी कोई बात की नहीं, अदरवाइज हमने जो 6-7 लोग पकड़े हैं उनको हम न पकड़ते, उन पे केस न करते, तो ये बात नहीं है। जो चीज़ मानने की है वो हम मानते हैं, और जो चीज़ मानने की नहीं है उसको कैसे मान, जो चीज़ हकीकत से दूर है, जिसका ताल्लुक नहीं है, उसको हम कैसे मान सकते हैं? 1 मई को पाकिस्तान की बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम भारतीय सेना के 2 जवानों के सिर काट कर ले गए थे, जिसका बदला 8 दिन बाद ही भारतीय सेना ने ले लिया। बासित अब पाकिस्तानी सेना की दरिंदगी के सबूत मांग रहे हैं। ये वारदात होते रहेंगे बासित साहब, सरहद पर तो रिलेशन कैसे सुधरेगा? पहले तो इस किस्म की कोई वारदात हुई नहीं। फॉरेन सेक्रेटरी ने आपसे ये बात कही, आपको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतने हाईएस्ट लेवल पे बिना चीजों को असर्टेन करते हुए आपके सामने रखेगी? आनन फानन और फौरन पाकिस्तान को मुर्द इल्जाम ठहरा दिया गया। बहुत से वाकयात हमारी, ऐसा क्यों करेगा भारत? देखिए, बहुत से वाकयात हुए हैं, अगर कोई एविडेंस मिलता है तो फिर तो कोई वजह नहीं है कि हम उस पर अमल न करें या उस पर कार्रवाई न करें। बासित को दरअसल इन परिवारों की चीखें सुनाई नहीं दी थी, उन्हें भारत का गुस्सा नहीं दिखा, वो तो बस सबूत की आड़ में कुतर्क पेश किए जा रहे हैं। बासित का झूठ यही नहीं रुका, कश्मीर में निर्दोष लोगों को भड़काने, मासूमों के हाथों में पत्थर थमाने और आतंकियों को हथियार देकर भारत भेजने के सवालों पर बासित सिर्फ कश्मीर का मसला सुलझाने पर जोर दे रहे हैं। हमारी तो ये ख्वाहिश है और दिली ख्वाहिश है, और मैं समझता हूँ कि जरूरत है इस खत्ते की, कि इस मसले को जिस कदर जल्द हो हल कर लेना चाहिए। तो ये फैसले का वक्त आ गया है, इसको अब मेरे ख्याल में हल कर लेना चाहिए इस मसले को। नहीं, लेकिन इसका क्या, इसके साथ फिर वही है ना कि आप जब तक इसका हल नहीं होगा क्या ये सब होता रहेगा जो वैली में हो रहा है? तो हो रहा है, उसमें तो देखिए किसी का कंट्रोल नहीं है। अगर नहीं, जैसा मैंने आपको कहा कि आरोप तो ये है ना कि पाकिस्तान इंस्टिगेट कर रहा है, उधर से टेररिस्ट आते हैं, इंस्टिगेट कर सकता है? पाकिस्तानी टीन एजर्स जो हैं, 16 साल के बच्चे हाथों में पत्थर अगर उठाए हुए हैं, तो इसमें पाकिस्तान ने किस तरह इंस्टिगेट किया, मुझे ये समझ नहीं आ पाती। जो टेररिस्ट मारे जाते हैं
उनके पास से पाकिस्तानी इक्विपमेंट्स मिलना, वहां के आप बच्चों का जिक्र कर रहे थे, बच्चों के हाथ में पाकिस्तान के फ्लैग, नारेबाजी। तो ये मैं कह रहा हूँ ना, एक सेंटीमेंट वहां पे है, खुदारा उस सेंटीमेंट, आप जिसको सेंटीमेंट कहते हैं सर, उसको भारत कहता है कि पाकिस्तान जानबूझ करके इंस्टिगेट कर रहा है। किस तरह इंस्टिगेट, आप लाखों लोगों को किस तरह इंस्टिगेट कर सकते हैं? मैं मान सकता हूँ इक्का दुक्का लोग चले इंस्टिगेट हम कर लेंगे, तो मेरा सिर्फ यही आपसे दरख्वास्त है कि खुदारा अब इस मसले को खत्म कीजिए। बासित को हर बात का सबूत चाहिए। मुंबई हमले के गुनहगार हाफिज और मसूद अजहर के खिलाफ 10 साल बाद भी सबूत का ही राग अलाप रहे हैं। खुद सबूत मांग रहा पाकिस्तान, व्यापारी कुलभूषण जाधव के मसले पर मुखी खा चुका है। अब बासित ने खुलासा किया है कि जाधव पाकिस्तान में ही है और जिंदा है। आप कम से कम ये साफ गोई से अगर बता सकें, बिल्कुल जिंदा है, जिंदा है तो केस चला है उसके ऊपर, और जिंदा है तो आगे भी कानूनी कार्रवाई होगी, तो इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि जिंदा वो नहीं है। कमांडर जाधव जिंदा है, इसलिए कानूनी चाराजुई हो रही है। कहाँ है ये शेयर कर सकते? कहाँ, ये तो मुझे भी इल्म नहीं है। जासूसी के आरोप में पाकिस्तान ने जाधव को फांसी की सजा सुनाई थी, जिस पर इंटरनेशनल कोर्ट ने रोक लगा दी है। आतंकवाद को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ा पाकिस्तान जाधव के बहाने भारत को परेशान करने का प्लान तो बना चुका था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मिली हार के बाद पाकिस्तान सिर्फ नई कहानियां ही गढ़ सकता है। दिल्ली से आशीष कुमार सिंह की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।